तो आज हम सीख रहे हैं फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर किस तरह से हम काम कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस को हम इसमें लेयर इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं और स्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, और उनको हम दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और शेप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे हम यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं, तो यहाँ से हम एक साइज़ ले रहे हैं वेब पर जाके। तो एक फेसबुक की जो पोस्ट है वो स्क्वायर में होती है, तो आप उसको एग्जैक्ट अगर पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो 1200x1200 उसका एग्जैक्ट साइज़ है, मतलब वो स्क्वायर में पूरी इसके ऊपर निकल आएगी। इसके बाद इसकी रेजोल्यूशन को हम यहाँ से 100 पे सेट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो ये हमारे सामने एक स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और उसको ओके करते हैं। तो सपोज टू बी अगर हमें कोई शेप इसके अंदर डिज़ाइन करना है तो शेप वो हम पहले बना लेते हैं, जिस तरह का भी शेप हमें इसमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि इस तरह का एक शेप हम इसमें यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, ओके कर देते हैं। इधर या इधर इस साइड पर ये एक शेप हमने इसमें बना लिया, शेप की अलग लेयर इस पर आपको नजर आ रही है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हैं जो हमारे यहाँ से खुल रहे होते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे नज़र आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे ही इस पर लिख रहे होते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस लिख लेते हैं। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम करेंगे इसके ऊपर काम, तो उसमें भी हम देखते हैं तीन ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें हम पहला जो ऑप्शन करेंगे वो है हमारे पास ग्रेडियंट, ओके सॉरी ड्रॉप शेडो, और दूसरा जो ऑप्शन है इसके साथ जिसको हम करेंगे उसका नाम है कलर ओवरले। और जो तीसरा है उसका नाम है ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, तो ये हमने तीन को डिस्कस करना है इसके अंदर कि किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, याद रखें कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस टेक्स्ट और शेप्स दोनों पर यकसा तौर पर अप्लाई हो जाते हैं, मतलब चाहे वो शेप हो या टेक्स्ट हो तो उसको आप भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो इसके अंदर ऑप्शन है, पहले हम इसको शेप पर अप्लाई करके देखते हैं ड्रॉप शेडो को, तो ये कैसे काम करेगा। देखिए, अभी शेप के ऊपर मुझे काम करना होता है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके शेप पर और यहाँ से कोई भी कलर वगैरह जो भी इसके अंदर देना है वो मैं इसके अंदर दे सकता हूँ, उसको ओके कर सकता हूँ, वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको आपको दिखाने के लिए, आपको शेप क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब इसी तरीके से क्लिक करेंगे हम इस शेप की लेयर पर और यहाँ से चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर। जैसे ही हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक पूरा लेयर स्टाइल का बॉक्स नज़र आएगा, और यहाँ पर लेयर स्टाइल्स में जाके आपको सबसे लास्ट ऑप्शन नज़र आएगा ड्रॉप शेडो का। जैसे ही आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो उसका जो शेड है इसका यहाँ से निकल आएगा साइड से। अब शेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये तीन सिस्टम दिए गए हैं, और इसके अलावा उसकी ऑपेसिटी और नॉइस को भी यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखें, इस पर क्लिक किया मैंने ड्रॉप शेडो पे, और यहाँ से मैंने इसके डिस्टेंस को पहले सबसे पहले इस तरह से ज़्यादा या कम कर लिया इस तरीके से। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि शेड का जो डिस्टेंस है दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इससे कितने डिस्टेंस पर रहेगा, ज़्यादा या कितने कम डिस्टेंस पर रहेगा, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्प्रेड, जो उसका स्प्रेड लेवल है वो कितना डार्क और लाइट होगा, यानी कि कितना फैला हुआ होगा, मतलब आपका डिस्टेंस इतना है, स्प्रेड लेवल आप मज़ीद इसका फैलाना चाह रहे हैं तो इसका स्प्रेड यहाँ से कितना फैलेगा और कितना कम रहेगा, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। इसके बाद जो है, अगर आप इसका जो साइज़ है वो जो शेड का साइज़ है कितना फैला हुआ होगा लेकिन कितना ब्लरी होगा, जितना कम करेंगे वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, साइज़ को जैसे बढ़ाएंगे वो ब्लर होता चला जाएगा, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी शेड आप इस पर लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रेड लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको बढ़ा के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके कलर को जो है डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का कलर होगा। फॉर एग्जांपल शेड पे इस तरह का कलर होगा या इस तरह का कलर होगा या इस तरह का कलर होगा, वो आपकी मर्जी है, जो कलर आप इस पर लगाना चाह रहे हैं वो कलर इस पर लग जाएगा। लेकिन यूजुअली शेड का जो कलर हम यूज़ करते हैं वो डार्क यूज़ करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इस पर सेट हुआ हुआ है। शेड कितना लाइट बिल्कुल हल्के कलर में होगा या हल्के से डार्क कलर में होगा, ये बिल्कुल डार्क हो गया तो कितना कम उसकी ऑपेसिटी को और उसको ज़्यादा रखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आते हैं एंगल के ऊपर, शेड जो आ रहा है वो इस साइड पर आ रहा है, मतलब शेप के राइट साइड पर आ रहा है। अब हम इसके एंगल को चेंज करेंगे, ये एंगल इसका है 120 डिग्री का। अभी हम इसके अपोजिट इसको सेट करेंगे, कैसे कि यहाँ पर रख के मैं माउस के कर्सर को क्लिक करूँगा तो जो इसका शेड है वो इसके अपोजिट आ जाएगा, यानी कि अब शेड मेरा उस साइड पर चला जाएगा। और अगर मैं इसी को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि शेड का जो इस साइड पर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एंगल इस तरह से आएगा। मैं एंगल को जहाँ चाहूँ सेट कर सकता हूँ, जहाँ पे सेट करूँगा शेड मुझे वहाँ पर ही दिखाई देगा और वो उसी तरह से नज़र आएगा।
तीसरी चीज़ है शर्ट की, जो जो शर्ट का स्टाइल है वो बेसिकली कैसा हो, जिसको हम कंटोर कह रहे हैं। तो कंटोर्स आप देखें इस तरह से भी बने बनाए कंटोर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला कंटोर ठीक है, ये सही है, या ये वाला सही है, तो ये आप इस तरह के शेप के कंटोर्स भी आप इस पर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल कंट्रोल है वो ये वाला कंटोर है जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारी इस तरीके से। एक ऑप्शन ये रह गया जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो मैंने इसके ऊपर ये देखे शर्ट दे दिया। अब शर्ट को कितना स्प्रेड करना है, कितना लाइट करना है, डार्क करना है, कैसा दिखाना है, कहाँ पे एंगल सेट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं किसी के साथ भी। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर कलर ओवरले का। अब इस शेप के अंदर ऑलरेडी कलर ब्लू है, लेकिन मैं यहाँ रहते हुए इसके ऊपर एक और कलर देना चाह रहा हूँ ब्लू के अलावा। तो या तो एक तरीका है कि मैं जैसे ओके करूँ तो ये शेड देखें इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ये इफेक्ट्स लिखा हुआ आ गया इस लेयर के ऊपर, और उसके साथ ये ड्रॉप शेडो भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ से इसको चेक हटा देंगे तो ये इफेक्ट्स ऑफ हो गया, चेक लगा देंगे तो इफेक्ट्स ऑन हो गया, और दोबारा से इसको एडिट करने के लिए आपने यहाँ डबल क्लिक किया और ये आपके सामने एक्टिवेट हो गया। यहाँ ड्रॉप शेडो में जाके आप दोबारा से इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, और जो भी इनमें चेंजेस चाहें वो भी ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि मैं कह रहा था कि इसका कलर चेंज करना है, तो कलर यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर रहे थे हम इसको, तो यही कलर जो है हम इसको इफेक्ट्स पे ही जाके यहाँ से भी लगा सकते हैं। कैसे? कलर ओवरले पे। जैसे इस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप एक वक्त में एक इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एक वक्त पे दो इफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर नजर आएंगे और फिर यहाँ से जो कलर आप इस पे देना चाहते हैं वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ से कलर देंगे या वहाँ से देंगे बात एक ही है, लेकिन इस कलर के देने में उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि ये इफेक्ट्स का कलर है, इसको जब चाहें इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करके देख सकते हैं, और वो तो फिर ऑन ही रहेगा जो इस पर आ रहा है। अच्छा, फिर इफेक्ट को अगर दोबारा से आप इसके अंदर चेंज करना चाहें तो इसमें एक ऑप्शन ऑपेसिटी का भी है, मतलब जो कलर उसका था वो अपनी जगह रहे, लेकिन इसको आप हल्का करेंगे तो ये उसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये एक अलग ही कलर का किस्म का कलर बन जाएगा। ठीक है, ना वो लाइट ग्रीन है ना वो डार्क ग्रीन है, तो आप नोट करेंगे ये किस तरह का ग्रीन कलर बन गया। ठीक है, नोट कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, दो कलर्स को एक के ऊपर रख के उनकी ऑपोसिटी को कम करके एक दूसरे के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इवन आप इसको यह थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कौन सा कलर दूसरा कलर में मिक्स हो सकता है। अगर मैं इसको कलर को मिक्स करने की कोशिश करूंगा तो ये एक अलग ही कलर इस तरह का बन जाएगा, और ये कलर आपको यूजुअली इसमें नहीं मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह भी आप कलर्स बना सकते हैं। अब अगर ग्रेडियंट की बात की जाए तो आप इस पर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कलर से चेक हटा दें, अब आप कलर नहीं देना चाह रहे, यानी कि या तो ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें, फिर आप ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे बने बनाए आपको ग्रेडियंट्स भी मिल जाएंगे जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर ग्रेडियंट के साथ भी वही स्टोरीज और सीन है कि आप ग्रेडियंट जो लगा रहे हैं उसका जो स्टाइल है वो कैसा होगा, लीनियर होगा, रेडियल होगा, एंगल पोजीशन पर रखना चाहेंगे, रिफ्लेक्टेड रखना चाहेंगे, मतलब वो जो ग्रेडियंट हम पहले अपनी पूरे स्लाइड इस पे कैनवस पे अप्लाई कर रहे थे लेयर के ऊपर, वो अब आप एक शेप पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टाइल में आप चाह रहे हैं वो ले लें, उसके बाद उसका एंगल पोजीशन सेट करेंगे कि आप एंगल ये रखना चाह रहे हैं, एंगल ये रखना चाह रहे हैं, एंगल ये रखना चाह रहे हैं, जो एंगल चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और ये फिर आपको उस तरह से नजर आएगा। फिर ग्रेडियंट का स्केल लेवल भी आप सेट कर सकते हैं, कितने क्लोज कलर हों, कितने वो एक दूसरे में ब्लेंड हो रहे हों, वो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं, यानी कि मैं इसको इतना ब्लेंड करना चाह रहा हूँ तो इतना ब्लेंड होगा, कम ब्लेंड करना चाह रहा हूँ तो कम ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब कलर का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, उसको हम ब्लेंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सही। तो आइदर आप कलर ओवरले यूज करेंगे या फिर आप ग्रेडियंट यूज करेंगे, अगर आप दोनों यूज करेंगे तो फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंट्रास्ट बन रहा है वो आपके सामने है। अगर आप ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो जितने आप इफेक्ट्स यूज करेंगे उतने इफेक्ट्स इसके साथ ऐड हो जाएंगे। सही, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब ये ड्रॉप शेडो टेक्स्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए मैंने टेक्स्ट आपके सामने लिख लिया है, अब इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से जाके मैंने क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे और ये मेरा शेड आ गया। तो अगर मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, रेड कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं जो हम चाहें। वो कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड कलर की जगह पे मैं इसको कोई और ग्रीन कलर देना चाह रहा हूँ, ब्लैक कलर देना चाह रहा हूँ, डार्क कलर देना चाह रहा हूँ, वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे सपोज टू बी मैंने इसको एक ये कलर दे दिया और उसको क्लिक करके ओके कर दिया। साथ साथ मैं इसको ड्रॉप शेडो भी देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप शेडो पे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो शेड आ जाएगा। आप शेड के बाद इसका डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, एंगल भी सेट कर सकते हैं यहाँ से देखिए, और इसका साइज भी सेट कर सकते हैं। तो साइज मैंने ऐसे रखा। एक काम भी हो सकता है कि अगर आप स्प्रेड फुल कर दें और साइज को थोड़ा ऐसा कर दें तो ये देखिए इस तरह के शेड्स कितने ज़बरदस्त बन सकते हैं इसके साथ। ये देखिए, अगर आपका कलर ओवरले में आगे की तरफ लाइट कलर हो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ वाइट कलर लें तो ये सारा नजर आएगा, इसका लाइट कलर लें ये ग्रे कलर के साथ ऐसा नजर आएगा, और अगर आप इसको यहाँ पे पिंक के साथ देंगे तो ऐसा नजर आएगा, कोई भी लाइट कलर के साथ देंगे तो ये आपको इस तरह से शेड नजर आएंगे और ये फिर इस तरह से नजर आएगा। हाँ, इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल चेंज करने के लिए हमें ड्रॉप शेडो पे जाना होगा और यहाँ से एंगल चेंज करेंगे। पहले मैं इसको ओके करता हूँ और जरा एंगल का समझाता हूँ कि क्या फर्क था।
अब देखिए, अगर मैं इसके इफेक्ट्स के अंदर जाके इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप नोट कीजिएगा, मैं ड्रॉप शेडो पे जा रहा हूँ और मैंने इस लेयर पे क्लिक किया है और इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ। ये देखिएगा, 4 एंगल -4 का एंगल है, मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। तो आपने नोट किया उसका एंगल भी चेंज हो गया? नहीं नोट किया, दोबारा देख लें। ये दोबारा से मैंने बाहर आया, इफेक्ट्स में गया और यहाँ से ड्रॉप शेडो में आया, और ड्रॉप शेडो में जाके मैंने यहाँ से इसके एंगल को यहाँ से चेंज किया। तो आप नोट करें कि जैसे इसका एंगल चेंज किया तो उसका एंगल भी चेंज हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये यूज ग्लोबल लाइट की वजह से हो रहा है। आपने अगर सिर्फ इसका एंगल चेंज करना है तो सिर्फ आपने क्या करना है, जब भी आप एंगल चेंज करें तो यहाँ पर ड्रॉप शेडो में जाएं और जाने के बाद ग्लोबल लाइट से चेक हटा दें। आप देखिए, आप जो एंगल चेंज करेंगे सिर्फ इसका एंगल चेंज होगा। अब आप मजे मजे के अपने शेड्स को जहाँ रखना चाहें वहाँ रख के अच्छे से शेड्स बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसका मैंने ये शेड बना दिया, या इस तरह से नीचे ऊपर की तरफ दिखा दें, ये देखें इस तरह का शेड बन गया। ओके कर दें। इसी तरह से आप इसको, इसी का मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट क्लियर करी और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर रख लिया और इसको थोड़ा सा जूम कर लिया और इसको यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको एक और अच्छा सा शेड देना चाह रहा हूँ, ब्लेंड। तो इसमें ऑलरेडी ब्लेंडिंग ऑप्शन तो लगा हुआ ही है क्योंकि मैंने इसका डुप्लीकेट लिया है। तो यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन को खोल के मैंने इसके कलर को चेंज किया। लेट सपोज अब मैं जो शेड बनाने वाला हूँ, यहाँ क्लिक करके जो बहुत कॉमन शेड है, वाइट कर दिया मैंने इसको पूरे को। उसके बाद यहाँ ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके मैंने इसके स्प्रेड को कम कर दिया और इसके साइज को बढ़ाया, और साइज लाइट होने की वजह डार्क हो गया, डिस्टेंस भी सेट था अपनी जगह पे, इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैंने गहरा कर दिया और साइज को थोड़ा कम कर दिया और इसको थोड़ा सा साथ साथ इसको भी बढ़ा दिया। तो ये देखिए, इस तरह का जो मामला है वो इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ये देखिए, ठीक है, तो देखिए व्हाइट के साथ मैंने डार्क शेड लगाया और उसके बाद ये हमारे इस तरह से बन गया। अब शेड तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम करेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे जो कलर का शेड लगाना चाह रहे हैं वो लगा देंगे। ग्रीन के साथ, ब्लू के साथ हो गया, ग्रीन के साथ, ग्रीन के साथ बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसके अंदर ये इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, और भी तरह के इफेक्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे भी आप देखें जो शेड के साथ आ रहे हैं वो आप ड्रॉप शेडो के साथ यहाँ पे बैठ के उसको ईजिली डील कर सकते हैं और वो उस तरह का शेड बन जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इनके ऊपर कवर कलर ओवरले यूज करना है तो वो तो मैंने करके बता दिया। ग्रेडियंट टेक्स्ट के ऊपर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। हम यहाँ पे ग्रेडियंट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेडियंट टेक्स्ट है वो बेसिकली ये वाला टेक्स्ट हो गया, एक ये वाला टेक्स्ट हो गया, और कहाँ गया, ये रहा वो टेक्स्ट, इस पे क्लिक करके। तो ग्रेडियंट आप जैसे शेप पे लगा रहे थे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट शेड्स आपके सामने आ जाएंगे, और जिस तरह के ग्रेडियंट शेड लगाना चाहें लगा सकते हैं, साथ साथ इसका शेड भी बना सकते हैं। शेड बना के आप इसके एंगल को सेट करें, ग्लोबल लाइट से हटाएं और उसको देखें एंगल को इस तरह से सेट करें और उसके डिस्टेंस को बढ़ाएं, और साथ साथ अगर आप इसका जो ग्रेडियंट है वो आप अपनी मर्जी का चूज़ करें जैसा ग्रेडियंट चाह रहे हैं, तो देखें उस तरह के ग्रेडियंट टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, रिवर्स का मतलब ये है जो कलर नीचे आ रहे हैं ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह का ग्रेडियंट बन जाएगा। स्केल को आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्केल कम करेंगे तो ये देखिए कलर्स जो है जो ब्लेंड हो रहे थे उनका स्केल कम हो जाएगा, आप बढ़ा देंगे तो उसका स्केल कलर बढ़ जाएगा इस तरीके से। और अगर ड्रॉप शेडो पे जाके आप इसके स्प्रेड को या साइज को बढ़ा देंगे तो ये इस तरह से बढ़ के आपको ऐसे नजर आएगा, ये इस तरह से, और ये इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये जो डार्क कलर है इस पर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई और कलर लगा लेते हैं। ऑलरेडी बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर तो है, डार्क कलर के साथ ही सही लगेगा ये, क्योंकि येलो में ये मल्टीपल कलर्स में इसलिए इस तरह से लग रहा है। हाँ, अगर हम इसमें बनाते हैं तो फिर वो ग्रेडियंट की जगह कोई दूसरा ग्रेडियंट यूज करें जिसमें थोड़ा डार्क कलर हो, ये कुछ बेहतर लग रहा है इसके साथ। ठीक है ना, तो याद रखें लाइट के साथ डार्क, डार्क के साथ लाइट का कॉम्बिनेशन आप जो है जितना बेहतर बनाएंगे उतना अच्छा बनता चला जाएगा। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए, और इसके साथ इसके साइज को इस तरह का। ठीक है,
तो ये हमारे तीनों ब्लेंडिंग ऑप्शंस इसके कवर अप हो गए। इसके यूज़ से हमारा क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, दूर से दिखने लगता है, और हमारे जो शेप या टेक्स्ट हैं वो मोर अट्रैक्टिव, जिसको फिर काफ़ी स्टाइलिश या आर्टिस्टिक टेक्स्ट में हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली अब इसको हटाएंगे कैसे, इस पर से ड्रॉप शेडो। देखिए, थोड़ी देर के लिए तो विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ख़त्म करना हो तो कैसे करेंगे, उस पर राइट बटन दबाएंगे और उसको जाके आप कहेंगे कहाँ पे, लेयर पे राइट बटन दबाएंगे और कहेंगे क्लियर लेयर स्टाइल, क्लियर लेयर स्टाइल, जो नहीं करेंगे तो वो उस पर से ख़त्म हो जाएंगे। अंडू कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि यही वाला स्टाइल या ये वाला स्टाइल मैं इसको देना चाहता हूँ, मैंने एक पे बना लिया और दूसरे पे देना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये कि इसको डुप्लीकेट करें और फिर उसी को एडिट करके टाइप कर दें। लेकिन अगर स्टाइल कॉपी करने की बात है तो फिर जो लेयर है जिस पे आपने कॉपी करना है, यानी कि मैं इसका स्टाइल, ये वाला स्टाइल इस पे देना चाह रहा हूँ। तो देखें, इसकी लेयर ये है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ राइट बटन दबाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी लेयर स्टाइल। जैसे ही कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे, आप किस पर देना है, इस पर देना है ये वाला लेयर, ठीक है। इस पर राइट बटन दबाया और इस पर आप कहेंगे बेस्ट लेयर स्टाइल, तो ये बिल्कुल उसको अपने जैसा कर ले, सही। तो इस तरह से आप स्टाइल दे भी सकते हैं और स्टाइल को कॉपी भी कर सकते हैं और स्टाइल को डिलीट भी कर सकते हैं।